हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं हम भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के एमसीक्यू को, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटिव हमने थ्योरी सेक्शन को पूरा कर चुके हैं और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे कि एलडीसी के पेपरों में से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ ग्रुप डी के हैं, कुछ एनटीपीसी के हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप बीच में मिस मत करना, आप वीडियो को एंड तक देखना। और यदि अभी तक आपने इसका थ्योरी सेक्शन नहीं देखा है तो थ्योरी सेक्शन भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसके थ्योरी सेक्शन को भी देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने में मैं आपको बता दूं कि आपको आज के जो इस सेशन में मैं आपको किस प्रकार के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आपको कुछ स्क्रीन पे से कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। आज वाला जो सेशन है, आज वाले सेशन में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद इस टॉपिक से कभी भी आपके प्रश्न छूटने वाला नहीं है। दोनों पार्टों को आप शुरू से एंड तक देखना, इसके बाद आप खुद अपने आप को इसको दोबारा से रिवाइज करके देखना, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके लिए मजबूत हो सके। तो इस टॉपिक को मजबूत बनाने के लिए हम दोनों पार्टों को पक्का देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सही से देखेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप देख ही चुके होंगे आज हम किस प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सभी क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, ये किसी न किसी एग्जाम्स में रिवाइज होने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को, यदि आपने नोटबुक में नहीं लिखा है तो इनमें नोटबुक में भी अपनी लिखिएगा। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन से देख पा रहे होंगे, तो एक नंबर का क्वेश्चन में क्या है, ये लास्ट ईयर एलडीसी के जो पेपर लगे थे उन्हीं पेपरों का क्वेश्चन है ये। कि एक नंबर का जो क्वेश्चन है, इस एक नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, यानी कि भौतिक परिवर्तन। अब हमने थ्योरी सेक्शन में सीखा था कि भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन के गुण क्या क्या होते हैं। तो ऐसी सभी बातों को यदि आपने नहीं सीखा है तो इसके फर्स्ट पार्ट का सारा ले आप, उन सभी बातों को सीखें, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका मजबूत हो सके और इस टॉपिक में जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट अप हो सके तो आपका छूटने वाला नहीं है। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसके एक ऑप्शन में दे रखा है क्या, पेड़ का काटना। अब मैं जब भी आपको थ्योरी सेक्शन पढ़ाया था तो आपको इसे बताया था कि इस टॉपिक में सबसे पहले आपको सेंस क्या लगाना है कि नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो अधिकतर केस ऐसे होते हैं, आपको उदाहरण देके पूछा जाता है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो सबसे पहले आपको उदाहरण में नोट क्या करना है कि क्या नए पदार्थ का निर्माण हुआ है या नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि हम नए पदार्थ के निर्माण के आधार पर बता सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है और रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। जैसा कि आप इसके ऑप्शनों को पढ़ पा रहे होंगे, तो यदि आप थ्योरी सेक्शन को देखा है आपने तो आप इसका उत्तर अब तक बता चुके होंगे। नेक्स्ट है सभी। अब ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है वो है पेड़ का काटना, बी ऑप्शन है कागज का काटना, जल का बर्फ में बनना और सभी। अब क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। और भौतिक परिवर्तन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इसमें कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता और ये दोनों दिशाओं में गमन करता है। यहां वाली चीज यहां पहुंच सकती है, वापस यहां वाली चीज यहां पहुंच सकती है। जैसे उदाहरण पे मैं बता दूं आपको कि जल, जल किस में कन्वर्ट हो जाती है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन बर्फ वापस जल में भी कन्वर्ट होती है। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, और भौतिक परिवर्तन में कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो यहां से नोट करना था कि क्या नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो हुआ है तो वो कौन सा रासायनिक, और नए पदार्थ का निर्माण यदि नहीं होता है वो कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन। पेड़ का काटना, जब पेड़ की आप टहनी को काट देते हो तो कोई नए पदार्थ का निर्माण हुआ क्या, नहीं हुआ, उसमें पहले भी लकड़ी थी अब भी उसमें लकड़ी है तो कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, तो ये भी कौन सा है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, कागज का काटना, जैसे कि मान लो मेरे पास ये कागज है, इस कागज के मैं दो हिस्से कर दूं तो किस प्रकार का परिवर्तन हो गया, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। जल का बर्फ में बदलना, तो आप यहां से समझ पाए होंगे जल बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है तो ये कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, फिजिकल चेंज कह सकते हैं। तो जो सभी के सभी हैं ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा आप पढ़ पा रहे होंगे,
निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं वाला बताना था हमें कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो चलिए इसको ऑप्शन को पढ़ते हैं हम। जैसा कि इसका ए ऑप्शन में क्या है, लोहे पे क्या लगना, जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और मैं आपको जंग, लोहे पे जो जंग लगती है उस जंग से रिलेटिव सभी जो क्वेश्चंस हैं और इसका जो थ्योरी सेक्शन है वो आपको मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवाने वाला हूं। उस वीडियो में हम पूरा का पूरा जंग से रिलेटिव मामला देखने वाले हैं। तो लोहे पे जंग लगना, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना, नेक्स्ट नेक्स्ट है पानी का विद्युत अपघटन, पानी का विद्युत अपघटन, पानी का विद्युत अपघटन, और नेक्स्ट है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब यहां से क्या बताना था, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं वाला बताना था हमें। तो लोहे पे जंग लगना ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। यदि लोहे की किसी छड़ को हम ऑक्सीजन और उसके संपर्क में रख दें, जल के संपर्क में रख दें, तो उस लोहे की छड़ पे एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे क्या कहते हैं, जंग। यदि लोहे की छड़ पर यदि एक बार जंग लग गई तो लगी गई, वो वापस कभी लोहे में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो एक ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम का जलना, मैंने आपको ऐसे कहा था 99% केस आपके पास जलने से रिलेटिव ऐसे होंगे कि यदि कोई वस्तु जल गई तो उसमें कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और पानी का विद्युत अपघटन, पानी का विद्युत अपघटन में क्या होता है कि किसी पात्र में यदि पानी भरा हुआ उसमें धारा प्रवाहित करने पर उसका जो H2O का अणु है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटने लगता है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जो सभी के सभी हैं वो सभी क्या हैं, इसमें रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो सही उत्तर कौन सा होता, डी होता, नन ऑफ दिस। इसमें उत्तर होता कौन सा, नन ऑफ दिस, कि इसमें सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं वाला बताना था। ए ऑप्शन है, इस ए ऑप्शन में कह रखा है कि पानी में ऑक्सीजन का विलय होना, O2 का विलय, O2 का विलय, जबकि दूसरे वाले में कह रखा है कि पानी में CO2 का विलय, जो इसका सी ऑप्शन है उसमें पानी में लवण का विलय, पानी में लवण का विलय या विलय, और डी जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। पानी में ऑक्सीजन का विलय और पानी में CO2 का विलय, ये दोनों ही भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं, जबकि पानी में लवण का विलय ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो आप समझ पाए होंगे तो इसका सही उत्तर कौन सा होता, सी वाला होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है, कौन सा परिवर्तन, जैसे कि चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शनों में हमें बताना था कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो पढ़ते हैं चलो क्वेश्चंस को, जो इसका ए ऑप्शन है, बी, सी और जो डी ऑप्शन है उनमें कह रखा है कि ए जो ऑप्शन है उसमें, ए ऑप्शन में कह रखा है कि लोहे पर जंग लगना, जंग लगना। बी जो ऑप्शन है, इस बी ऑप्शन में कह रखा है कि पानी का भाप में बदलना, भाप में बदलना। सी जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन में दिया हुआ क्या है, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना। तो आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को कि इसमें उत्तर क्या बताना है हमें। सेकंड है कोयले का जलना, कोयले का जलना। अब प्रश्न क्या कह रखा है हमें, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट पानी का भाप में बदलना, यदि आप प्रैक्टिस बेस पे बैठे हो तो सभी जो ऑप्शन है उसको, सभी ऑप्शनों को आप पढ़िएगा सही से और उसमें कारण भी पता करिए कि ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि यदि आप एग्जाम्स में बैठे हो तो एग्जाम्स में बी ऑप्शन जाके हम टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने लगते हैं, क्योंकि वहां हमें एग्जाम अप्रोच के हिसाब से क्वेश्चन को हल करना रहता है। पानी का भाप में बदलना ये कैसा परिवर्तन होता है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि क्वेश्चंस में रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो बताना था। तो इसका सही उत्तर कौन सा होता, बी होता। चलिए नेक्स्ट पांचवें नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
पांचवें नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तक तो आपका क्वेश्चन सही हो चुका होगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर एलटीसी का जो पेपर लगा था उसमें आया था कि काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण किसका होता है। उदाहरण होता है ये किसका आपको बताना है। ये एक ऑप्शन में लिखा है भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन, सी ऑप्शन में लिखा है रासायनिक परिवर्तन, और डी जो ऑप्शन है उसमें लिखा है नन ऑफ दिस की कोई सॉरी डी ऑप्शन में लिखा है कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। अब क्या बताना था हमें कि सेब को काटने पर सेब भूरा हो जाता है, वो किसका उदाहरण होता है। वो उदाहरण होता है एक रासायनिक परिवर्तन का। किसका उदाहरण होता है? रासायनिक परिवर्तन का। और जो सेब होता है इस सेब में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और जब किसी लोहे की छड़को या लोहे को ऑक्सीजन और नमी मिलती है, ऑक्सीजन और नमी मिलती है, तो इस पे किसका निर्माण होता है? जंग का निर्माण होता है। तो मैं अब आपको ऐसे कह दूं कि सेब काटने पर भूरा हो जाता है क्योंकि सेब में क्या लग जाती है? जंग। जी हाँ, आपने सही सुना है कि सेब पे क्या लग जाती है? जंग। क्योंकि सेब में क्या पाया जाता है? लोहा। और इस लोहे को ऑक्सीजन और जैसे ही जलवाष्प के कण मिलते हैं तो ये किसका निर्माण कर लेता है? जंग का निर्माण कर लेता है। तो लोहे की वस्तु को जंग में बदलना या लोहे की वस्तु पे जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक। उसी प्रकार सेब को काटने पर भूरा होना यह भी कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट, आप उत्तर बता पा रहे होंगे तो इसका उत्तर होता कौन सा? सी होता। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन। छह नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसा कि अभी तक आपने तो पढ़ चुके होंगे छह नंबर के क्वेश्चन को। बर्फ का पिघलना परिवर्तन है कि बर्फ का पिघलना यानी कि बर्फ जब जल में कन्वर्ट हो जाती है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो आप बगैर ऑप्शन पढ़े इस बात को तो बता सकते हो यदि अब तक की बातें आपने सीखी है कि बर्फ यदि एक बार जल में कन्वर्ट हो जाती है तो वापस ये जल किस में कन्वर्ट हो सकता है? बर्फ में कन्वर्ट हो सकता है। बर्फ वापस जल में कन्वर्ट हो सकती है यानी कि इसकी जगह भी स्थाई नहीं है। इस कारण इनको कौन सा परिवर्तन कहते हैं? अस्थाई परिवर्तन, या इनको कहते हैं कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। तो आप समझ पाए होंगे इस बात को। तो सही उत्तर बता पाते कौन सा? छह नंबर का सही उत्तर होता कौन सा? ए होता। चलिए नेक्स्ट, सातवें नंबर का क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है सातवें नंबर का क्वेश्चन। तो यदि अभी तक आपने सोचा होगा कि यदि आपने थ्योरी सेक्शन को देखा है तो किसी भी क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, और लग भी नहीं रही होंगी ऐसा उम्मीद करता हूं मैंने, लग भी नहीं रही होंगी ऐसा उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि थ्योरी सेक्शन में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो यदि अभी तक जिन स्टूडेंट ने थ्योरी सेक्शन को नहीं देखा है पूरा, तो थ्योरी सेक्शन को एक बार देखें, फिर उसके बाद ही एमसीक्यू को लगाए वो, और इस सभी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, सातवें नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पानी का उबलना यानी कि पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है? उबलने पर पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। और पानी का वाष्प में कन्वर्ट होना, वाष्प वापस पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो एक ऐसा परिवर्तन होता है, ये होता है भौतिक परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है ये। तो आप इसका उत्तर बता पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? आठवें नंबर के क्वेश्चन में हमें पता है क्या बताना है, भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। आठवां जो नंबर का क्वेश्चन है उसमें बताना है भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। ए जो ऑप्शन है, इस ए ऑप्शन में बी सी और डी। अब क्या लिखा हुआ है? जल में नमक या चीनी का विलय होना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। हमने ऐसा सीखा है पहले, तो जल में नमक का विलय होना ये तो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, जल का क्वथनांक, आपको क्वथनांक से पता रखना है जल का अवस्थाओं में परिवर्तन होना, किसी भी प्रकार की अवस्था में उसका क्वथनांक हो सकता है, उसका गलनांक होता है,
कोई किसी भी प्रकार की अवस्था का यदि परिवर्तन होता है तो वो हमेशा होता है भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ जल का क्या हो रहा है, क्वथनांक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्वथनांक। तो ये भी कैसा है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट, बर्फ का गलना। तो मैंने अभी आपको इसे कहा कि जल का विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में बदलना कैसा परिवर्तन होता है, भौतिक। तो बर्फ का क्या, गलना, ये भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। यदि आप एग्जाम्स में बैठते हैं जब आपको तीन ऑप्शन कंफर्म ऐसे पता है तो डी ऑप्शन को बगैर पढ़े लगाते कि डी इसका सही उत्तर होता। अब डी में भी क्या लिखा हुआ है, द्रवित पेट्रोलियम का दहन, द्रवित पेट्रोलियम का दहन, ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ये होता है कैसा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं होता है कभी भी, ये होता है रासायनिक परिवर्तन का। जब हम पेट्रोलियम पदार्थों का जब हम उपयोग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे SO2 हो गई, ऐसे विभिन्न प्रकार की गैसें बनती हैं जो उसके धुएं में पाई जाती हैं। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये होता है एक रासायनिक परिवर्तन। तो यहां से सही उत्तर भी आप जान पाते तो राइट आंसर कौन सा होता, डी होता। चलिए नेक्स्ट, 9 नंबर के क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। यहां से 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है 9 नंबर का, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है 9 नंबर का। चलिए नेक्स्ट, 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब यहां से बताना था क्या कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, हमें ए ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। जब श्वेत प्रकाश की किरण को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। उदाहरण से समझिएगा कि ये हमारे पास प्रिज्म है, इससे श्वेत प्रकाश की किरण निकली, निकलने के पश्चात ये अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। जैसे ही सब श्वेत प्रकाश की किरण को हटाते हैं तो 7 रंग बाहर निकलना बंद हो जाते हैं, वापस श्वेत प्रकाश की किरण प्रवेश कराते हैं तो वापस अपने को भौतिक परिवर्तन के दौरान इसमें 7ों के 7ों रंग हमारे को उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि हमें उत्तर क्या बताना है, रासायनिक परिवर्तन का। बी ऑप्शन, सब्जियों के पकाने पर मुलायम होना। तो एग्जाम्स में यदि बैठे होते आप तो एग्जाम अप्रोच के हिसाब से यदि आप सीखना चाहते हैं क्वेश्चन को तो इसका बी सही उत्तर होता, कि आगे वाले ऑप्शन हम पढ़ते ही नहीं, बी इसका सही उत्तर क्यों होता, कि सब्जियों को पकाने पर सब्जी मुलायम हो जाती है तो वापस कभी वो सब्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, फर्स्ट बात। दूसरी बात, अब हमारे पास कोई नए प्रोडक्ट का निर्माण हो चुका है, जो हमारे पास सब्जियां थी उन सब्जियों से हमारे पास खाने लायक सब्जी बन गई, वो पक गई। तो पकने के पश्चात जैसे फलों का पकना हो गया, तो फलों का पकना यदि फल एक बार पक गया तो पक ही गया, कच्चा आ जाएगा, ऐसा उम्मीद मत रखना दोबारा। तो एक ऐसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता। तो बी इसका सही उत्तर हो पाता। चलिए नेक्स्ट, 10वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 10वें नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, कि हमें बताना था कि जो ऑप्शन हमारे पास लिखे हुए हैं उन ऑप्शनों में नए पदार्थ का निर्माण किसमें होता है। पहला ऑप्शन कोयले का दहन, कोयले का दहन, यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहां से हमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना था हमें, तो कोयले का दहन। यदि हमने ए इसका ऑप्शन पढ़ा तो ए ऑप्शन पढ़ने पर ही पता चल गया कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होता, ए ही होता, क्योंकि कोयले का जलना, कोयले का दहन एक किस प्रकार का परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। और कोयले के दहन से क्या बनती है, हमारे पास राख बनती है, यानी कि हमारे पास नया पदार्थ का निर्माण हो चुका है। तो ऐसा सही उत्तर होता 10वें का, कौन सा, ए होता। चलिए नेक्स्ट, 11वें नंबर के क्वेश्चन को और देखते हैं। 11वें नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन बताना था। ए ऑप्शन है रसोई गैस का जलना, तो रसोई गैस एक बार जल गई तो वापस कभी आती है कि दोबारा आपके पास, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हो गया, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। चलो नेक्स्ट, दूध का फटना, ये भी किस प्रकार का परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। चलो नेक्स्ट, जल का चीनी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो यहां से सही उत्तर होता कौन सा, सी हो पाता, जबकि डी ऑप्शन में क्या लिखा है, भोजन का पाचन,
जैसे ही हमारी छोटी आंत भोजन का पाचन कर चुकी होती है तो वो कभी वापस हमारे अनपचे हुए भोजन में कभी भी शामिल नहीं हो सकता है। तो भोजन का पचना ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का है। इस टॉपिक को आपको और अच्छे से यदि आपको मजबूत करना है तो आपको क्या करना है, ये जो प्रत्येक ऑप्शन आपके पास क्वेश्चंस में आते हैं उनमें सभी क्वेश्चंस में से सभी जो ऑप्शन है उनमें जानना है कि कौन से में रासायनिक परिवर्तन है, कौन से में भौतिक परिवर्तन है। इसमें आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ने वाली है ऐसा करने पर। तो जल का चीनी में घुलाई किस प्रकार का परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। चलो नेक्स्ट 12वें नंबर के क्वेश्चन को और देखते हैं। 12वें नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ आपको छोटी सी बात पता रखनी है कि कोई भी रबर है उस रबर को यदि हम सल्फर के साथ गर्म करते हैं, कोई हमारे पास रबर पड़ा है इस रबर को यदि सल्फर के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर हमें अच्छी क्वालिटी का रबर प्राप्त होता है। उच्च गुणवत्ता का क्या प्राप्त होता है, रबर प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वल्कनीकरण। क्या कहते हैं, वल्कनीकरण प्रोसेस कहते हैं कि हम खराब रबर से उच्च गुणवत्ता वाला रबर प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, वल्कनीकरण। यानी कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर उच्च कोटि का हमें क्या प्राप्त होता है, रबर। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहा जाता है। तो आप जान पाए होंगे यहां से। तो 12वें नंबर के क्वेश्चन में कुछ हमें इसी प्रकार की बातें पूछ रखा है कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वल्कनीकरण प्रोसेस कहते हैं। लास्ट ईयर जब 2017 में जेल प्रेरी के पेपर्स लगे थे उन्हीं के पेपरों का ये क्वेश्चन है, तो यहां से सही उत्तर बता पाते क्या, वल्कनीकरण। चलो नेक्स्ट 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है। तो थ्योरी सेक्शन में हमने एंड में इसी चीज को जाना था कि इसमें बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक का मैं ऐसे कह दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें होती है। 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, मोमबत्ती का जलना परिवर्तन होता है कौन सा, भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं उसमें, दोनों ही परिवर्तन एक साथ घटित होते हैं। क्यों, क्योंकि मैं आपको थ्योरी सेक्शन में इसका रीजन भी बताया। जैसे कि हमारे पास ये कोई मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती में धागा लगा रहता है और बाहर की तरफ उस धागे के क्या होता है, मोम होता है। जैसे ही हम इस मोमबत्ती को जलाते हैं तो इस मोमबत्ती में जो धागा होता है उसमें तो क्या बन जाता है, राख बन जाती है। जबकि जो मोम है ये मोम धीरे धीरे पिघल के कहां इकट्ठा हो जाता है, यहां नीचे ही मोम इकट्ठा हो जाता है। इस इकट्ठे होने वाले मोम को हम किसी दूसरी मोमबत्ती में भी काम में ले सकते हैं। तो मोम तो जैसे पहला था वैसे ही है मोम तो, जबकि जो इसका धागा था वो धागा किसमें कन्वर्ट हो गया, राख में। तो धागा जो राख में कन्वर्ट हो गया ये तो रासायनिक परिवर्तन होता है, जबकि जो मोम जो नीचे पिघल के इकट्ठा हो गया ये रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इसमें कुछ अलग अलग बातें मैं आपको दिखा दूं। यहां से मोमबत्ती में बत्ती का जलना ये तो कैसा परिवर्तन होता है, ये तो रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि मोमबत्ती में यदि बत्ती जलकर राख में कन्वर्ट हो गई तो वो हो ही गई, तो ये तो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। जबकि मोमबत्ती में बत्ती का जलना ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होता है। तो आप जान पाए होंगे इस क्वेश्चन को सही से, तो इसका उत्तर बता पाते आप क्या, बी और सी दोनों इसका सही उत्तर होता है, यानी कि डी इसका उत्तर लगाते हैं हम। चलिए नेक्स्ट 14वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना था। ए ऑप्शन में क्या लिखा, बीकर में जल का उबलना, तो जल का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। बी ऑप्शन में लिखा है केले का छीलना, केले के छीलने पर कोई नए पदार्थ का निर्माण हुआ क्या, नहीं हुआ, तो किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सी ऑप्शन,
सी ऑप्शन में कह रखा है एल्यूमिनियम की पन्नी को काटकर उसे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना। जैसे हमने सोचा कि एल्यूमिनियम की कोई पन्नी है, इस एल्यूमिनियम की पन्नी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, तो क्या हमारे पास नया प्रोडक्ट प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। लोहा प्राप्त हुआ क्या एल्यूमिनियम की पन्नी को काटने पर? नहीं बना। तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक। तो ऐसा यदि हमारे को कन्फर्म पता है कि तीन ऑप्शन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, तो डी कौन सा है? रासायनिक। तो डी इसका सही उत्तर होता। अब डी में क्या लिखा हुआ है? दूध का दही में बदलना। दूध का दही में बदलना, तो दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। हमने इस बात को थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे से सीखा है। चलिए नेक्स्ट है 15वें नंबर का क्वेश्चन। 15वें नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? जैसा आप पढ़ भी पा रहे होंगे, ये रेलवे की एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है 15वें नंबर का। 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना था आपको। ए ऑप्शन, बी है इसका, सी है और डी है। ए जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है लोहे का चुंबकीकरण। तो मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में जब भौतिक परिवर्तन पढ़ाया था, तो वहां आपको ऐसे बताया था कि लोहे का चुंबक में बदलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो ए तो ऑप्शन है किसका? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। चलो बी ऑप्शन के पास चलते हैं। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, प्लेटिनम तार को गर्म कर देते तो ठंडा भी तो हो ही जाता है, तो इसमें नए प्रोडक्ट का कहीं प्राप्त हुआ क्या? हमें नए प्रोडक्ट बना कहीं? नहीं बना। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। चलो नेक्स्ट, CO2 का सूखी बर्फ में बनना। CO2 का किसमें परिवर्तित होना? सूखी बर्फ में बनना। तो ये भी किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। डी ऑप्शन में क्या है कि मक्खन का खट्टा होना। किसका खट्टा होना? मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। किस परिवर्तन का उदाहरण होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो सही उत्तर बता पाते कौन सा? डी, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ही पूछना है। ये एनटीपीसी का जो पेपर लगा था 2016 में, वहां ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो ये सभी जो आज वाले क्वेश्चन है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम्स में भी आपके लिए इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चनों को आप वन बाय वन देखिएगा। यदि आप एक बार थोड़ा कम समझ में आता है, तो दोबारा रिवाइज करके आप इसको वीडियो को देख सकते हो। तो इसके लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले आप। चलिए नेक्स्ट, 16वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 16वें नंबर के क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? ए तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ठोसों का द्रव में पिघलना। अवस्थाओं का परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार की अवस्था हो, ठोस गैस में हो, गैस द्रव में हो, तो आपको पता क्या रखना है? अवस्थाओं का परिवर्तन किस प्रकार के परिवर्तनों में आता है? भौतिक परिवर्तन में आता है। तो हमें ए ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ठोसों का द्रवों में पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बी ऑप्शन, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण। तो मैंने आपको अभी जस्ट ऐसे बताया कि अवस्थाओं का परिवर्तन कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। चलो नेक्स्ट, सी ऑप्शन, पदार्थ का किण्वन तो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो 16वें नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर होता है क्या? सी होता। चलिए नेक्स्ट, 17वें नंबर के क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ए जो ऑप्शन है, इस ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ईंधन का जलना कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक। बी ऑप्शन, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो 17वें का सही उत्तर होता कौन सा? बी। जबकि सी में लिखा हुआ है लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना, प्लेटिनम तार एक बार जल गया तो राख में कन्वर्ट हो गया, तो किस प्रकार का परिवर्तन है? वो परिवर्तन है रासायनिक का। तो इसका सही उत्तर होता कौन सा? बी होता। चलिए नेक्स्ट, 18वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? 18वें नंबर के क्वेश्चन में बताना था कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, एक उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या? ऊर्ध्वपातन। क्या लिखा हुआ है? ऊर्ध्वपातन। बी ऑप्शन में लिखा है क्या?
उत्कृष्टलीकरण, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण लिखा हुआ है। निष्क्रियकरण को कहा जाता है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। और जो डी है, इस डी में लिखा हुआ है आसन। तो ऊर्ध्वपातन हो गया, ऊर्ध्वपातन तो क्या है, अवस्थाओं का परिवर्तन है, तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक। किश्लीकरण भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, आसवन भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। लेकिन जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण को कहा जाता है उदासीनीकरण, कि यदि कोई विलयन एक बार उदासीन हो गया तो वो उदासीन हो ही गया, तो वो कैसा परिवर्तन होता है रासायनिक। जैसे कि हमारे पास एक तो क्या है HCl है और एक क्या है NaOH है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, NaCl का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, NaCl। तो और ये प्रोसेस कौन सी होती है, उदासीनीकरण, यानी कि इसमें किसका निर्माण हो गया, नमक का निर्माण हो गया। HCl और NaOH यदि एक बार नमक का निर्माण कर देते हैं तो उस नमक से कभी भी वापस NaOH और HCl कभी भी प्राप्त नहीं किया जाता है। तो यहां से नया प्रोडक्ट बना, तो नया प्रोडक्ट कौन सा उदाहरण होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आप जैसे 19 नंबर के क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, ये भी एक एनटीपीसी के पेपर का ही क्वेश्चन है। क्या कह रखा है, खालिस्तान रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कि खालिस्तान ऐसा कौन सा उदाहरण है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं होता है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है एक अंडे का पकना, यदि अंडे को हम पका देते हैं तो वो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। बी ऑप्शन, एक आइस क्यूब पिघलना, मतलब बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। बी ऑप्शन में लिखा है बर्फ का पिघलना। तो अब तक की बातें यदि सीखी है तो आप समझ भी पाए होंगे, मेरे बगैर बताए इस क्वेश्चन का आप सही उत्तर बता पाते, कि बर्फ का जल में परिवर्तित होना, बर्फ का यदि जल में कन्वर्ट हो गया एक बार तो वापस वो जल बर्फ में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि वहां ऊपर क्वेश्चंस में पूछा हुआ रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बी वाला नहीं। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो आप ऑप्शनों को पढ़िएगा, सभी के सभी इसका सही उत्तर होता, क्योंकि इन सभी चीजों से हम अनुमान लगाते हैं कि किसी भी विलयन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो 20वें का सही उत्तर होता क्या, डी, कि सभी विकल्प इसके सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना था। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। ऑप्शन वाइज भी चलते हैं हम, तो 21 नंबर में बर्फ का, पानी का बर्फ में परिवर्तित होना, ए ऑप्शन इसका सही होता। क्यों, क्योंकि पानी का बर्फ में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि 21 नंबर के क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, तो सही उत्तर कौन सा होता, ए होता। जबकि बी ऑप्शन में क्या है, मानव में श्वसन, अब हम जो श्वसन की क्रिया करते हैं इसमें नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है। जैसे हमने ऑक्सीजन ली तो अंदर से किसका निर्माण हुआ, CO2 का निर्माण हुआ, तो नई चीज बन गई, तो नई चीज जिसमें बनती है उसे कहते हैं रासायनिक। तो बी ऑप्शन में जैसा आप पढ़ पा रहे उधर से बी ऑप्शन, तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। चलो नेक्स्ट सी ऑप्शन, मानव में पाचन, तो यदि भोजन एक बार पच गया तो वो वापस जो पचा हुआ भोजन है वो वेस्टेज होता है, तो यदि हमने सही भोजन खाया था तो उसमें नया प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो वो कैसा परिवर्तन होता है, वो भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। डी ऑप्शन, दूध का दही में बदलना, तो दूध का दही में बदलना आप सीख चुके हो इस बात को कि ये तीनों किसके उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है, जबकि ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर के क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन, इसको भी हम ऑप्शन वाइज देखते हैं,
अब आपको इस टॉपिक के जितने भी आपके पास ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, आप उन सभी ऑप्शनों को सही से देखा करो, जिससे कि आपको और अच्छा क्वेश्चंस में फील हो सके। क्योंकि आप ऐसा पढ़कर ऐसे अनुमान लगा पाते हो कि किसमें भौतिक है किसमें रासायनिक है। बहुत इजी टॉपिक है ये, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा कंटेंट तो आपके पास है नहीं कि कोई टिपिकल टॉपिक है आपके पास। और ये ऐसा जनरल टॉपिक है, इसमें बहुत से एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि यदि आपने शुरू से एंड तक देखा होगा तो क्वेश्चंस में आपको नोट भी करने वाली बात थी कि ये क्वेश्चंस किस किस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो यहां से हम ऑप्शनों को पढ़ते हैं। जो इसका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में लिख रखा है शरीर में भोजन का पाचन, में भोजन का पाचन। तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। चलो नेक्स्ट, दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना यह भी कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट सी ऑप्शन, जल का जलवाष्प, जल का जलवाष्प में परिवर्तित होना। मैं ऐसे कह दूं इस ऑप्शन को कि जल का वाष्प में परिवर्तित होता, वापस वाष्प जल में भी तो कन्वर्ट होती है, तो ये कैसा परिवर्तन होता है? ये होता है भौतिक परिवर्तन। तो यहां से क्वेश्चंस में पूछा हुआ क्या था? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सी नहीं है। जबकि डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? लोहे पे जंग लगना। ये लोहे पे जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण होता है? ये होता है रासायनिक उदाहरण। चलिए नेक्स्ट 23वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां से आप 22वें का सही उत्तर बता पाते क्या? सी बता पाते। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो हमारे पास जो चार विकल्प हैं, उन चारों विकल्पों में बताना था कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। मैंने आपको फिर इस टॉपिक के रिलेटिव आपको एक जानकारी देता हूं कि जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछेगा, तब आपको अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहां? आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं और उन चार ऑप्शनों में पूछा जाता है कि कौन सा भौतिक और कौन सा रासायनिक उदाहरण है। तो आप इनका थोड़ा सही से देखिएगा, सही से पढ़िएगा सभी ऑप्शनों को। 23 नंबर का है, उसमें क्या रखा है? ए ऑप्शन, दूध का दही में बदलना। दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। जबकि हमारे पास 23वें क्वेश्चंस में पूछा भी यही है कि रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा है रासायनिक परिवर्तन? ए, दूध का दही में बदलना। कैसा परिवर्तन? रासायनिक। जबकि नीचे वाले जो तीन है वो कंफर्म ऐसे पता चल गया कि किसके उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट 24वें नंबर के क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। आज वाली सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 24वां। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन बताना था। ए ऑप्शन, बी, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या? अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का किण्वित होना, अंगूर का किण्वित होना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। कैसा परिवर्तन का उदाहरण होता है? रासायनिक। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है फलों का पकना, फलों का पकना, फलों का पकना कैसा उदाहरण होता है? यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। जैसे कि मैं ऐसे कह दूं कि कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? हरा होता है। जब वो टमाटर पक जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। वापस वो लाल वाली जो चीज है वो हरी में ना तो कन्वर्ट हो सकती, और अब हमारे पास जो टमाटर बना है वो नया प्रोडक्ट बन गया, और नया प्रोडक्ट वाली चीज कैसा उदाहरण होती है? रासायनिक। तो अंगूर का किण्वित होना, फलों का पकना एक कैसा उदाहरण है? रासायनिक। सी ऑप्शन में है हमारे पास क्या? बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना कैसा उदाहरण होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो जो 24वें नंबर का क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होता है क्या? सी हो पाता। जबकि जो डी ऑप्शन है, इस डी ऑप्शन में भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता, दूध का दही में बदलना। दूध का दही में बदलना कैसा उदाहरण होता है? रासायनिक उदाहरण होता है। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं आपको कि यदि आप वीडियो में एंड तक बने होंगे तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आगामी जो भी एग्जाम्स लगने वाली है यदि इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाला है। यदि आपको सभी जो पार्ट हैं, जो इसका आज वाला जो सेशन था और जो इसके पीछे वाला सेशन है, दोनों सेशनों को यदि आपने थोड़ा पेशेंस से देखा है तो आपको ऐसे पक्का कन्फर्म है इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन सही होने वाला है। तो आप चैनल पे बने रहिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। इसी प्रकार मैं रोज आपको 10 बजे एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करने वाला हूँ। चैनल पे आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।